मैं बता देती हूँ आपको। हेलो, वो आएगा ना, वो वापस आएगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर न्यू सीरीज। थैंक यू। क्या कहना चाहोगे इसमें आप? क्राइम्स आजकल में हम आपको नरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड है, किस तरीके की कहानी होगी, कैसे किरदार होंगे, जैसे आप कैसा लग रहा है? तो आप सबने पहली सीज़न तो देख ही ली होगी क्राइम्स आजकल। ये जो नई सीज़न है उसमें इट टॉक्स अ लॉट अबाउट यंगस्टर्स, देयर लाइव्स, देयर कॉम्प्लिकेशंस इन देयर लाइव्स एंड हाउ सोशल मीडिया यू नो इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन वॉट एवर दे आर फेसिंग इन टूडेज वर्ल्ड। और दूसरी बात ये है कि मैंने अब तक बतौर एक्टर काम किया है, तो पहली बार एक एंकर की तरह, एक नरेटर की तरह, सूत्रधार के का किरदार कर रहा हूँ, जिसमें मैं खुद प्रतीक गांधी भी नहीं हूँ, ना मैं कोई किरदार हूँ। मैं ऑडियंस का दोस्त हूँ जिनको इन सारी कहानियों के थ्रू ले जाने वाला हूँ। तो मेरे लिए एक नई चीज़ है ये, और ये नया एक्सपेरिमेंट मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को शायद इतना ही पसंद आएगा। बिल्कुल सर, जैसे कि हमने आपको एक्टर से लेके अभी जो एंकर आप प्ले कर रहे हो, जैसे हम टीवी में देखते थे, टीवी में भी काफ़ी इस तरीके के शोज होते थे, और आप फर्स्ट टाइम ओटीटी में फर्स्ट टाइम आप इसे नरेट कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे डिफिकल्टीज लग रहा है या कुछ मतलब वेरी इजी फॉर यू टू नरेट दिस? नहीं, देखिए, नरेशन की जहाँ तक बात है तो क्योंकि हम मैंने थिएटर में बहुत कुछ ऐसे नरेशन किए हैं, रेडियो नाटक भी किए हैं, पर स्क्रीन पर नरेट करना एक थोड़ा सा चैलेंजिंग ऐसे हो जाता है कि मुझे किसी भी किरदार को या किसी भी स्टोरी को, किसी को भी बिना जज किए बात को आप तक पहुँचाना है। मैं सिर्फ एक सूत्रधार हूँ, तो मैं ऑडियंस के दिमाग को किसी भी एक डायरेक्शन में ले जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद सोचे, वो खुद इस चीज़ विषय पर चर्चा करें, तो वो एक तरह से उसे सोच के उतना ही साधारण तरह से लोगों तक पहुंचना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, पर उसी का मज़ा है। तो अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो 2023 का हाइलाइट्स क्या है? 2023 के बहुत सारे हाइलाइट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे हो चुके हैं, तो अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये सारी फिल्में रिलीज़ हों। नए साल में कुछ स्कैम से जो आपने छाप छोड़ा है उस तरीके का कुछ हमें देखने मिलेगा? नए साल में मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक अभी जो शूट शुरू करेंगे वो गांधी वेब सीरीज़ का शूट शुरू करेंगे, तो ये वैसे ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेरे लिए। लास्ट मैसेज टू फैंस एंड व्यूअर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबली इंसान देखता है, क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से सिर्फ इतनी ही विनती है कि जितना प्यार मुझे दिया है उतना ही प्यार देते रहिएगा। मेरे जैसे और कई सारे कलाकार आपके इस प्यार का इंतजार कर रहे हैं, और आने वाला साल आप सबके लिए बड़ा ही शुभ हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।